नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, महानायक अमिताभ बच्चन को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टाइम्स नाउ नव भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आई कि सुबह एक्टर की एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई है, जिन्हें सुनकर फैंस भी चिंता में आ गए हैं। बॉलीवुड के सेंसा अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा का विषय बने रहते हैं। 81 साल की उम्र में एक्टर का काम देखकर लोग आज भी उनके दीवाने हैं। अभी हाल ही में एक्टर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि आज सुबह ही अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई है, जिसके लिए उन्हें मुंबई स्थित कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह 6 बजे महानायक अमिताभ बच्चन को कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट कराया गया, ताकि उनके दिल की सर्जरी हो सके। सर्जरी में हृदय की मांसपेशियां तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। इस खबर के मिलते ही फैंस को एक्टर की सेहत की चिंता होने लगी। सिर्फ यही नहीं, वो ठीक हो जाएंगे, उसके लिए भी दुआएं मांग रहे हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने सर्जरी के बाद ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा कि हमें सदैव कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। कहा जा रहा है कि अब एक्टर की हालत में सुधार है और सर्जरी के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। इससे पहले भी अमिताभ बच्चन को कूली की शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन में लीवर खराब हो गया था।